न्यूज अपडेट के साथ मैं हूँ कैसर दिलावर जिदून। बार एसोसिएशन हसन अब्दाल, इलेक्शन नतीज का ऐलान कर दिया गया। साबिक सदर सजाद हैदर अवान 31 वोट लेकर दोबारा सदन मुंतखब हो गए। मध्य मुकाबिल आसिफ अली खान ने 25 वोट हासिल किए। कुल 60 में से 56 वोट पोल किए गए। तफसीलात के मुताबिक बार एसोसिएशन हसन अब्दाल, इलेक्शन नतीज का ऐलान कर दिया गया। साबिक सदर सजाद हैदर अवान 31 वोट लेकर दोबारा सदन मुंतखब हुए। मध्य मुकाबिल आसिफ अली खान ने 25 वोट हासिल किए। कुल 60 में से 56 वोट पोल किए गए। बार कौंसिल में सदारत के लिए मेम्बरान ने वोट पोल किए। बार कौंसिल की सदारत के लिए साबका सदर बार कौंसिल सजाद हैदर अवान और मलिक आसिफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए सैयद असद अब्बास नकवी समेत दीगर ओहदेदारान पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। बार कौंसिल के वोटर मेम्बरान की तादाद 60 थी। वोटर्स ने अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में वोट पोल किया। पोलिंग के अमल को पुरसकून रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सैयद सदा हुसैन शाह एडवोकेट, हामिद इकबाल एडवोकेट, सैयद इम्तियाज हुसैन शाह एडवोकेट ने हमारी मीडिया टीम से गुफ्तगू करने के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सालाना इलेक्शन का अमल जमहूरी तर्ज अमल है, जिसमें मेम्बरान अपनी मर्जी से बार कौंसिल के अहदेदारान का इंतखाब करते हैं। तमाम उम्मीदवार का मकसद बार मेम्बरान की इज्जत में इजाफा और मसाइल के हल के लिए कोशिश करना है। साथी रिपोर्टर सैयद आशिम अलवी के साथ कैसर दिलावर जदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल। हम रखते हैं आपको इलाके भर की हर खबर से बाखबर। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। शनासा टीवी, रखिए आपको हर खबर से बाखबर।